हाय, दिस इज मी एंड दिस इज माय सेटअप। बट एक साल पहले मैं तो ऐसा ही था, बट ये सेटअप ऐसा नहीं था। I was feeling rich, but we turned out broke. हाँ, तो इस बीस्ट पीसी से पहले था मेरे पास मेरा लैपटॉप, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, माय फर्स्ट लैपटॉप। साल 2017। बड़ी मुश्किल से मेरे जिद करने पर घर वालों ने एक लैपटॉप दिलाया कि कॉलेज आ गया है, अब तो जरूरत होगी ही। बट वो लैपटॉप कभी भी कॉलेज के काम तो आया ही नहीं। उन्हें क्या पता था, इसमें तो कुछ और ही चल रहा था। YouTube से लेके गेमिंग तक और फोटो एडिटिंग से लेके वीडियो एडिटिंग तक, सब कुछ जो भी मैंने किया है वो इसी में किया है। उस टाइम मैं YouTube देखता था, सीखता था और उसी लैपटॉप से वीडियोस बनाई भी। बट 5 साल में से पिछले 1 साल से मैं यूज कर रहा हूँ मेरा डेस्कटॉप PC कंप्यूटर। तो आज हम यही देखेंगे PC और लैपटॉप में डिफरेंस क्या है और तुम्हारे लिए बेस्ट सेटअप क्या रहेगा। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ मेरे PC और लैपटॉप के स्पेक्स। तो ये है मेरे पास i5 7th जनरेशन प्रोसेसर, 8GB रैम, 2GB ग्राफिक कार्ड, 940MX बहुत पुराना है, एंड 1TB हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप। और 2 साल बाद मैंने इसमें 120GB SSD अपग्रेड की थी, बस और कुछ नहीं। और PC के स्पेक्स है Ryzen 9 3700X, 16GB रैम, 1650 ग्राफिक कार्ड, 500GB SSD, 2TB हार्ड डिस्क, गेमिंग एक्स मदरबोर्ड, और ये मॉनिटर है गीगाबाइट का, पता नहीं मॉडल नाम, बट 27 इंच 2K और 170Hz। बस इतना ही बताया। सारा पैसा मॉनिटर पे ही फूंक दिया गया। ये मैंने पिछले तब बनवाया था जब PC पार्ट्स बहुत महंगे थे और लैपटॉप ने मुझे धोखा दे दिया था, तो मुझे ये बनवाना पड़ा। बट डेस्कटॉप के साथ एक प्रो ये है कि डेस्कटॉप तुम्हें सेम स्पेक्स के लैपटॉप से सस्ता पड़ता है। और दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ा फैक्टर है पोर्टेबिलिटी। बट अगर तुम्हें चाहिए कोई ऐसी मशीन जो तुम कहीं भी ले जा सको, उड़ा सको या लेके घूम सको, तो डेस्कटॉप तो तुम भूल ही जाओ। बट अगर तुम्हें चाहिए एक ऐसा सेटअप जहां तुम अपना काम बैठकर 25 कर सको, तो लैपटॉप अच्छा ऑप्शन नहीं है परफॉर्मेंस के मामले में। पोर्टेबिलिटी के साथ साथ अगर तुम्हारे मोहल्ले में बिजली कम आती है तो भी लैपटॉप तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि फिर तुम उस चक्कर में नहीं रहोगे ना कि कब लाइट आएगी और कब मैं काम चालू करूंगा। नहीं तो फिर इसी में रह जाओगे कि कब लाइट आई और कब गई। परफॉर्मेंस से याद आया, लैपटॉप और डेस्कटॉप की परफॉर्मेंस में होता है जमीन आसमान का फर्क। बट वो तुम्हें पता नहीं लगेगा जब तुम्हारे पास दोनों चीज ब्रांड न्यू हो। इसका क्या मतलब हुआ, रुको बताता हूँ। अगर तुमने अभी लैपटॉप खरीदा है, नया लैपटॉप लिया ब्रांड न्यू, ये GTA 5 भी 120 फ्रेम पे चला दे, क्या PC है तेरा? ओ, तेरा PC लैग मारा, देख के तो तगड़ा ही चल रहा बे, इसमें NVMe SSD है। बट रचित भाई, पहले हम खरीद के 1 साल चला के देखेंगे, तुम भी तो कुछ बताओ। हाँ, मैंने दोनों चीज़ों को लॉन्ग टर्म यूज़ किया है, और कुछ टाइम बाद लैपटॉप थोड़ा स्लो हो जाता है, बट PC वहीं पर चकाचक चलता रहता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे साइंस है, और वो तुम्हें बताएंगे हमारे साइंटिस्ट। अरे तो साइंस ये कहता है कि लैपटॉप में होते हैं छोटे कंपोनेंट, जैसे कि CPU मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, SSD, रैम, हार्ड डिस्क। अभी तो उसी जगह में ये सारे कंपोनेंट ठूस दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कूलिंग अच्छी नहीं हो पाती है। वहीं दूसरी तरफ है हमारा PC, जहाँ पर इतने बड़े बड़े कॉम्पोनेंट्स हैं और इतने बड़े बड़े कैबिनेट हैं, जिसमें बड़े बड़े छेद दिए हुए हैं, जहाँ से हवा अच्छे से आ जा सकती है और वो कूलिंग भी बहुत अच्छे से कर पाता है। और इसी वजह से PC लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। गुड PC, वेल डन। तो ये थे हमारे साइंटिस्ट। उसके बाद तुम लैपटॉप में ज्यादा कुछ अपग्रेड भी नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा रैम, SSD, बट PC में ऐसा नहीं है। PC में जो तुम चाहो वो अपग्रेड कर सकते हो। जैसे मुझे ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करना है तो मैं इस वाले को बेच दूंगा, मदरबोर्ड मेरा गेमिंग एक्स है ही, तो मैं इसमें अच्छा खासा ग्राफिक कार्ड अपग्रेड कर सकता हूँ। या फिर जैसे अभी भी मेरे PC में 2 RAM स्लॉट्स बचे हैं, उनमें भी मैं एक्स्ट्रा रैम अपग्रेड कर सकता हूँ। और स्टोरेज तुम्हारी फुल होते ही इसमें डिलीट क्यों करनी है, अपग्रेड करो यार। अब कुछ भी लो यार, लैपटॉप या PC, बट एक चीज जो तुम दोनों में कर सकते हो वो है स्किल डेवलपमेंट, और वो भी Skillshare से। Skillshare is an online learning community जहाँ पर तुम्हें मिलेगी thousands of classes हर एक टॉपिक पर, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और बहुत कुछ। इनकी सारी क्लासेज आर क्यूरेटेड बाय द इंडस्ट्री लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स, और यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स की भी क्लासेज मिल जाएगी, जैसे कि एकता चौधरी गार्डनिंग क्लासेज और बहुत कुछ। अभी के लिए आदि सिंह की डाविंची रिजॉल्व कलर ग्रेडिंग क्लासेज मुझे बहुत हेल्प करी है मेरी वीडियोज में कलर ग्रेडिंग के लिए। और सबसे बेस्ट, इनकी सारी क्लासेज है एड फ्री जब तुम ज्वाइन करोगे, और
वो भी सिर्फ 1800 से भी कम पूरे साल का, यानी कि 150 रुपए पर मंथ। और कम ऑन यार, इससे ज्यादा तुम इस वैलेंटाइंस वीक में उड़ा चुके हो। और इसमें मिलेगा तुम्हें अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ देयर एंटायर लाइब्रेरी। और यही नहीं, मैंने तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल से स्किलशेयर से 1 month फ्री ट्रायल अरेंज करवाया है। तो वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाना, जहां पर ये ऑफर सिर्फ मिलेगा फर्स्ट 1000 मेंबर्स को। तो ध्यान से वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाना। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, अब तुम बोलोगे मैं ये क्या अजीब बात कर रहा हूँ, लेकिन लैपटॉप होता है बैटरी पावर्ड। और अगर तुम स्पेसिफिकली वीडियो एडिटिंग या गेमिंग के लिए लैपटॉप ले रहे हो, तो लैपटॉप का फुल परफॉर्मेंस यूज करने के लिए तुम्हें उसे पावर ब्रिक से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा लैपटॉप है 5 साल पुराना, और इसके स्पेक्स और पीसी के स्पेक्स में भी बहुत ज्यादा फर्क है, तो कंपैरिजन में बेचारा हार ही जाने वाला है। तो इसलिए मैं चुरा के लाया हूँ हर्ष का लैपटॉप, और इसकी लगभग मेरे पीसी वाली स्पेक्स है, तो कंपैरिजन इनमें ट्राई करते हैं। तो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हमारे पास है सेम स्पेक्स की 2 मशीन, तो टेस्ट करेंगे दोनों में रेंडर टाइम प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप और आफ्टर इफेक्ट्स में, क्योंकि सबसे ज्यादा हम यही यूज करते हैं। अब सबसे पहला प्रोग्राम हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं प्रीमियर प्रो, तीनों में मैं एक साथ खोलूंगा। लेफ्ट साइड में हमारा पीसी है, राइट साइड में अंधेरे में मेरा पुराना लैपटॉप है, और नीचे लगभग पीसी के सेम स्पेक्स वाला लैपटॉप है। और सबसे पहले पीसी में प्रीमियर प्रो पूरी तरह से खुल चुका है, और लैपटॉप में थोड़ा सा टाइम लगा प्रीमियर प्रो को खुलने में, और पुराना लैपटॉप तो अभी भी बहुत पीछे है, अराउंड 22-23 सेकंड लग गए उसे खुलने में। उसके बाद हम खोल के देखते हैं फोटोशॉप, तो यहां भी 7 सेकंड में फोटोशॉप पीसी में खुल चुका है। और अब की बार पुराना लैपटॉप थोड़ा जल्दी भाग रहा है, बट नहीं, ये वाला लैपटॉप भी पीछे नहीं है। और ये क्या, पुराने लैपटॉप में फोटोशॉप ज़्यादा जल्दी लोड हो गया। उसके बाद देख लेते हैं दोनों में आफ्टर इफेक्ट्स, दोनों में एक साथ खोलूँगा। दोनों में एक टाइम पे खुल गया, लेकिन पीसी में लोड हो चुका है और लैपटॉप में अभी तक लोड नहीं हुआ है, अब जाके हुआ। इसके साथ साथ इन दोनों का बूट टाइम भी देख लेते हैं। और लैपटॉप में ज्यादा जल्दी उसका लोगो आ चुका है, और पीसी हमारा अभी भी खुल ही रहा है बस। और लैपटॉप यहाँ पर पूरी तरह से ऑन हो चुका है, बट पीसी अभी भी बहुत ही पीछे है। तो मैंने तुम्हें बता दिया दोनों में क्या प्रो है और क्या कौन। तो कंक्लूजन ये है कि अगर तुम्हारा काम है कुछ ऐसा कि तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, या तुम हो स्टूडेंट कि तुम्हें अपनी मशीन को पिट्ठू बैग में ले जाना है, तो लैपटॉप के अलावा तुम्हारे पास कोई भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। बट अगर पोर्टेबिलिटी वाला कोई चक्कर नहीं है और तुम्हारे घर लाइट भी पूरी आती है, तो पीसी में मिलेगी तुम्हें बेस्ट परफॉर्मेंस, कम पैसा, गुड सेटअप। और परफॉर्मेंस से भी फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारे यूज केस के हिसाब से मशीन ना हो। तो पहले जिस तरह का तुम्हारा काम है, तुम्हें यूज करनी है मशीन, वो देखो, और फिर जाओ पीसी या लैपटॉप की तरफ।